नमस्कार, मैं अंशु मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक मंदिर में पूजा पाठ भी की और इसके बाद जब वो जनसभा को संबोधित करने गए तो इस दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो नक्सल को जो है पूरी तरीके से जो है खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है। इस दौरान वो काफी कुछ और कहते नजर आए और क्या कुछ कह रही है गृह मंत्री अमित शाह, जरा सुनिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे। मित्रों, मुक्त। मोदी जी के 9 साल में हिंसक घटनाओं में 52% की कमी आई, मौतों में 70% की कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 68% की कमी आई और जिले जो प्रभावित थे, पुलिस थाने जो प्रभावित थे, उसमें 62% की कमी आई है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र ऐसा है हमारा बस्तर, जगदलपुर, अगर नक्सली हिंसा होती है, पुलिस भी मरती है तो हमारा आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो भी आदिवासी मरता है, और नागरिक मरता है तो भी आदिवासी मरता है, उनको बचाना चाहिए। के भूपेश बाबू, बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी, कितना रुपया देते थे जनजातीय मंत्रालय को? एसटी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। कितना होता था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना? अब देश भर के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम, और इसके कारण देश भर के आदिवासी क्षेत्र के अंदर लाइट पहुंचना, मोबाइल टावर पहुंचना, रोड पहुंचना, एकलव्य विद्यालय पहुंचना, कांग्रेस के जमाने में 90 विद्यालय थे, सिर्फ 90, आज मोदी जी ने 90 से बढ़ाकर 740 तक जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और अब 40,000 शिक्षकों की भर्ती भी नरेंद्र भाई करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान अमित शाह बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर और कोडगा गांव में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया। कोडगा गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उनके द्वारा जो है काफी बयानबाजी की गई और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल के कार्यकाल में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई है। जी हाँ, कमियां ज्यादा नहीं बल्कि पूरे 52% की कमी जो है बताई जा रही है कि आई है। 52% जो है ये कमी हुई है। उसके बाद अमित शाह ने कहा कि राज्य में अगर भाजपा सत्ता में आई तो समूचे छत्तीसगढ़ को नक्सली खतरे से मुक्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ 3 दिवाली मनाएगा, एक सामान्य अवसर पर, दूसरी 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आने वाला है, जब भाजपा राज्य में सरकार बनाएगी, और तीसरी जनवरी 2023 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के वक्त।
सुबह 11:30 बजे परिवर्तन महासंकल्प जनसभा को संबोधित करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया, जिसके अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए जिलों के विकास पर खर्च किया गया। इसके तहत पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, गौशाला का विकास और घर घर बिजली पहुंचाने जैसे कार्य किए गए हैं। केंद्र में उन्होंने कहा कि 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी और इसके बाद उस सरकार ने देश भर में आदिवासी कल्याण के लिए मात्र 29,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1,32,000 करोड़ रुपए आदिवासी कल्याण पर खर्च किए गए। इस दौरान मोदी जी के कामों को भी जो है वो गिरवाते नजर आए। मोदी जी के काम को लेकर भी उनके द्वारा चीजें जो है कही गई और क्या कुछ कहते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह, जरा सुनिए। नरेंद्र भाई ने, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्रों की धरती को काना कर जो खनिज निकाला जाता है उसका पहला काना पैसा भी आदिवासी विस्तार के भले के लिए खर्च नहीं होता था। मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना कर अब तक 9 साल में और 75,000 करोड़ रुपया जिलों के विकास के लिए दिया। इससे पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, गौशाला का विकास, घर घर में बिजली पहुंचाना, ढेर सारे काम एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए। 2047 तक भारत में एक भी आदिवासी भाई बहन सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित न हो, इस प्रकार का मिशन अनेक विदेशी डॉक्टरों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है मित्रों। और आदिवासी तहसीलों के अंदर विकास का काम शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो जैसा कि आपने सुना, गृहमंत्री अमित शाह कह रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बन गए उसके बाद से 1,32,000 करोड़ रुपए आदिवासी कल्याण में खर्च किए गए। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने देश भर के आदिवासियों के सम्मान के लिए बहुत सारे जो काम है किए हैं, जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ आदिवासी भाई बहनों को सुरक्षा, सम्मान, समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। जैसे ही 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है, अमित शाह ने कहा कि देश में एकमात्र बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां टिकट पाने के लिए सरनेम नहीं पूछा जाता है और बैंक अकाउंट नहीं देखा जाता है। कांग्रेस जो है पूरे देश में एक एक्सटेंशन की स्थिति में है। तेलंगाना में भी कांग्रेस पूरी तरह से जो है साफ हो जाएगी और तेलंगाना में भी कांग्रेस पूरी तरह से साफ होगी और 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी की जो है जीत जो है होगी। जमीन से जो नेता जुड़े हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र में 2 रैलियों को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ भी पहुंचे, जहां 7 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा। 90 सदस्य राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कांग्रेस शासित राज्य की अमित शाह की यह दूसरी यात्रा है और इस क्षेत्र में राज्य की 20 विधानसभा सीटें आती है। शाह ने चुनावी रैली में यह भी कहा कि केंद्र ने हमारे 9 साल के शासन में हमने राज्य में नई सड़कें बनाई है, रसोई गैस सिलेंडर रियायती दरों पर उपलब्ध जो है करवाई है और शौचालय और एकलव्य स्कूलों का जो निर्माण है कराए है और शौचालय एकलव्य चुनावों का निर्माण किया गया है। यह केंद्र में हमारी सरकार थी जिसने राज्य में हर घर को मुफ्त में 5 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री बघेल पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आपने शराब की दुकानें खोलने, 540 करोड़ रुपए के कोयला परिवहन घोटाले और इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि और जो है महादेव ऐप घोटाले सहित घोटालों में लिप्त होने के अलावा क्या किया। बघेल, शर्म करो, शर्म करो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग इस साल 3 बार जो है रोशनी का त्यौहार मनाने वाले हैं, यानी दीपावली मनाने वाले हैं, दूसरी दिवाली
तब होगी जब राज्य में भाजपा सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ 3 बार दिवाली मनाएगा, एक दिवाली के दिन, दूसरी 3 दिसंबर को जब भाजपा राज्य में सरकार बनाएगी, और फिर जो है जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन पर 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा की 20 सीटों पर मतदान 7 नवम्बर को होगा, जबकि शेष 70 सीटों पर 17 नवम्बर को दूसरे चरण में मतदान होगा। एकलव्य स्कूल बनाए, इसके साथ साथ 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। मिल रहा है ना भाई सबको? जरा जोर से बोलो, मिल रहा है ना? हर एक घर में हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल मिले, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला, महादेव ऐप जुआ 5000 करोड़ का घोटाला, और 267 SC ST पदों पर इस प्रकार से नियुक्ति की कि निवस्त्र होकर SC ST युवा ने रैली निकालनी पड़ी। बघेल, शर्म करो, शर्म करो, युवा निवस्त्र होकर आपके राज्य में रैली निकालता है, आपको शर्म माननी चाहिए। आज मैं कहने आया हूं भाई और बहनों, आप एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। ये जो आदिवासियों का पैसा हजारों करोड़ रुपया घोटाले में खा गए हैं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी सरकार ने बाहर समुदायों को धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा, बिंजिया, भुइनिया, भुइया और भुयान, इसके साथ साथ पंडो समुदाय को भी ST में लाकर वर्षों की मांग पूरी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किया और भगवान बिरसा मुंडा को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के, जनजातियों के म्यूजियम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी की बेटी, ओडिशा की गरीब घर की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में 4 अन्य मतदान वाले राज्यों के साथ मतों की गिनती 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता पहले ही लागू हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनावों में 2018 में कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटें जीतकर भारी बहुमत जो है हासिल की है, जबकि भाजपा जो है केवल 15 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार प्रयास कर रही है कि इसे आगे ले जाया जाए, आगे इसे आप कहते हैं बढ़ाने का काम किया जाए, ताकि आराम से जो है अगर आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की भी सरकार बन सके, तो इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। लगातार जो अगर आप देखेंगे इसे लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि थोड़ी सी राहत तो जो है वो यहां पर आपके ये गृहमंत्री अमित शाह जो है बीजेपी को आश्वासन दे रही हैं, चीजें भी कर रही हैं, कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है हमारी सरकार
बनने वाली है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।